हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 3, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग रेशो का सॉल्यूशन नंबर 13 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 के ए पार्ट में हमें करंट रेशो गिवन है, क्विक रेशो गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है। आपको करंट रेशो, क्विक एसेट और इन्वेंटरी पता करनी है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। सबसे पहले हम करंट एसेट पता करेंगे, तो करंट रेशो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। करंट रेशो का फॉर्मूला जो होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी होता है। यहाँ पे करंट रेशो आपको 2:1 गिवन है, करंट लायबिलिटी आपको 1,60,000 गिवन है। सिंपल आपको क्या करना है, करंट रेशो आपको हालांकि 2:1 गिवन है, तो 2 जो स्टैंड कर रहा है वो करंट एसेट के लिए कर रहा है और जो 1 स्टैंड कर रहा है वो करंट लायबिलिटी के लिए कर रहा है। तो करंट लायबिलिटी हमें ऑलरेडी गिवन है। करंट रेशो में आपको क्या करना है, करंट रेशो की जगह आपको 2 पुट करना है इस फॉर्मूले में। जब करंट रेशो की जगह आप 2 पुट करेंगे, करंट एसेट हमें पता करना है, करंट लायबिलिटी हमें 1,60,000 गिवन है, जिसको आप डिवाइड में लिखेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो करंट एसेट आपके पास कितना आ जाएगा, 1,60,000 मल्टीप्लाई 2 करके आपके पास 3,20,000 आ जाएगा। इसका मतलब ही है 2:1 का कि जो करंट एसेट है वो करंट लायबिलिटी के डबल है, क्योंकि जो 1 है वो स्टैंड कर रहा है करंट लायबिलिटी का। और करंट लायबिलिटी जब हमें 1,60,000 गिवन है और करंट रेशियो में 2:1 गिवन है, मतलब कि करंट एसेट जो है वो करंट लायबिलिटी के डबल है, तो 3,20,000 आएगा। यहाँ पे आपके पास करंट एसेट पता चल गया 3,20,000 है। सेम ही तरीके से आपको क्विक एसेट पता करना है। यहाँ पे क्विक रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे क्विक रेशियो आपको 1.5:1 गिवन है, करंट लायबिलिटी 1,60,000 गिवन है क्वेश्चन में। सिमिलरली आपको ये सब क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। जब आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो 1,60,000 मल्टीप्लाई 1.5 होगा। जब 1.5 से 1,60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्विक एसेट 2,40,000 के आएंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्विक एसेट भी है। अब आपको इन्वेंटरी पता करनी है, तो करंट एसेट में से लिक्विड एसेट माइनस कर दीजिए, मतलब कि क्विक एसेट माइनस कर दीजिए, तो ये आपको इन्वेंटरी पता चलेगी। 3,20,000 माइनस 2,40,000 करने पे जो इन्वेंटरी है वो 80,000 की है। तो दिस इज द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।